हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिर चैनल द फुटबॉल क्लासरूम। तो वेलकम अगेन। तो गाइज, इस हफ्ते जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने उनका वैसे तो कोशिश की कि कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूं, पर गाइज कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हैं और मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबको पता होना चाहिए गाइज। तो वो क्वेश्चंस मैंने इस पेपर पर आज लिख लिए हैं गाइज। तो आज मैं उन सब क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएं। तो गाइज, उससे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट कर देता हूँ। एफ ए कप जो आर्सेनल ने जीत लिया है, जो भी आर्सेनल के फैंस हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस बार आर्सेनल वैसे भी प्रीमियर लीग में 8 नंबर पे फिनिश करके गई है और कुछ था भी नहीं इस साल। तो चलो, 14वीं बार उन्होंने एफए कप जीता और फाइनल में 2-1 से चेल्सी को हराया। तो गाइस काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो गई आर्सेनल के लिए, सीजन एंड एक ट्रॉफी के साथ तो किया, कम से कम सिल्वर वे उनके पास आ चुका है। तो गाइस बात करते हैं अपने Q&A पे। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आए थे, तो मैं क्वेश्चंस की लिस्ट एकदम से आपको सारे क्वेश्चंस बता दूंगा, इनके मैं आंसर देने वाला हूं आज। और अगर आपको वो लगते हैं कि आपके काम के हैं तो आप इस वीडियो में बने रहो, बाकी अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर की आपको ज़रूरत नहीं है तो आप अभी भी बिना टाइम वेस्ट के इसको लीव कर सकते हैं गाइस। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन है कि सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर का बेसिक एक फुटबॉल गेम में रोल क्या होता है, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मतलब एक आधा एग्जांपल भी आपको दे दूंगा। बाकी फुटबॉल गेम में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा। तीसरा क्वेश्चन है कि फुटबॉल में जो मसल क्रैम्प हो जाता है कभी कभी, उससे कैसे प्रिवेंट करें। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल में हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क कौन सा ज़्यादा जरूरी है और वेट कैसे कम कर सकते हो आप घर पे, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है। तो मैं कुछ अपने एक्सरसाइजेज जो मैं करता हूँ अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए वो मैं आपको बता दूंगा। और गाइस अगला क्वेश्चन है कि फॉरेन क्लब में आप मतलब कैसे एक फॉरेन क्लब के लिए आप खेल सकते हो गाइस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है तो जरूर इस वीडियो में बने रहो, बाकी गाइस इन क्वेश्चन के मैं आंसर करने वाला हूं। पूछा किसी ने ये मार्सेलियो के बाल मैगी जैसे क्यों है। अभी सबसे पहली बात तो मार्सेलियो नहीं है, मार्सेलो है, और भाई बाल मैगी जैसे रखे चाहे ना रखे, चाहे टकला हो जाए, आपको क्या है, इट्स हिज चॉइस यार। तो गाइज ये मजाक हम साइड में रखते हैं, तो क्वेश्चंस के की तरफ हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर का रोल क्या है। तो गाइज सबसे पहले तो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर की पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर जैसे कि नाम से बता दिया कि सेंटर में रहता है और मिडफील्ड का पार्ट है, पर अटैक भी करता है, यानी कि उसकी पोजीशन होगी कुछ अटैक, जो अटैकर्स के जो लाइन है और मिडफील्डर्स की लाइन है उसके कुछ बीच में। ये देखो इस फोटो में कोटिनो की पोजीशन थी लिवरपूल की टीम की, कोटिनो जो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खेलते थे लिवरपूल से, तो वो पोजीशन थी इसमें। तो गाइस इस पोजीशन को आप ध्यान से देखो, तो सबसे पहले आपको क्या समझ आ रहा है, इससे आपको समझ आ रहा है कि इस पोजीशन में जो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर है ना, उसका रोल है मिडफील्ड से बॉल लेना और बॉल को कुछ क्रिएटिव करके, यानी कि उसकी चॉइस है, या तो वो ड्रिबल करके अटैक शुरू कर दे, या वो बॉल को विंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या सेंटर की तरफ पास कर दे, यानी कि उसको क्रिएटिव बनना है इसमें। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो या तो मिडफील्ड ही खेलेगा या अटैक, इस नाम से उसका रोल रहेगा मिक्स, यानी कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसके पास, या तो वो अपनी क्रिएटिविटी से अटैक शुरू करे, या तो बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या फिर बैक पास भी सिचुएशन के हिसाब से कर सकते हैं। इस पर मतलब मेन रोल इसका यही रहता है कि कोऑर्डिनेशन जो मिडफील्डर और अटैक का है वो बिठाए, और वो दोनों का पार्ट है, वो एज ए अटैकर और एज ए मिडफील्डर भी खेल सकता है, पर उसको ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा अटैक में इन्वॉल्व ना हो, ज़्यादा मिडफील्ड में इन्वॉल्व ना हो, तो क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा अटैक में इन्वॉल्व होगा तो मिडफील्ड पर प्रेशर पड़ेगा, और ज़्यादा मिडफील्ड में खेलेगा तो अटैक वहाँ पे कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। तो यानी कि कुछ मिक्स रोल है, सेंट्रल कुछ न्यूट्रल रोल रहता है उनके पास, ठीक है। और बाकी तो गाइस एग्जांपल आप ले सकते हो कोटिनो का, जब वो लिवरपूल से खेल रहे थे तो उन्होंने काफी अच्छा गेम प्ले का वहां पे एग्जांपल मैं आपको बताया। तो उनके पास जब मिडफील्ड में वहां बॉल आती थी तो क्या होता था, एक तो सबसे पहले तो वो गेम ओपन करते थे, ठीक है, विंग्स पे गेम खिलाते थे, ठीक है, सब। और आपने उनके ये देखे होंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने कितने अच्छे लॉन्ग रेंज गोल्स मारे, यानी कि क्रिएटिव है, बिल्कुल अनसर्टेन है, डिफेंडर को पता नहीं होता कि वो मिडफील्डर क्या करने वाला है गाइस। तो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और काफी ज्यादा स्किल चाहिए इसके लिए, जो नंबर 10 कहलाता है, नंबर 10 सबसे ज्यादा स्किलफुल वो चाहिए, ड्रिबल भी, प्ले मेकिंग, पासिंग, सब कुछ आपका एकदम उस लेवल का होना चाहिए, इस लेवल पे सूट करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजिशन है और बहुत ज्यादा स्किलफुल भी है। तो गाइस अगला, तो गाइस हम कोटिनो की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कोटिनो का जो स्टाइल है वो उसके तो सब फैन हैं ही, जो उनकी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह रहते हैं, जो ग्रूमिंग है, तो ग्रूमिंग टिप्स के लिए मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक चैनल बनाया, काफी अच्छा ग्रो भी कर रहा है और वो काफी अच्छी टिप्स भी देता है, मैं भी उसको पर्सनली फॉलो करता हूं। तो आर्यन वर्स के नाम से वो चैनल है, तो आप एक बार उसको जरूर चेक करना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर चेक करना एक बार, अगर अच्छा लगा तो देख लेना। बाकी तो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन था कि एक फुटबॉल गेम खेलते टाइम आपके माइंडसेट पे क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहली बात तो फुटबॉल एक इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये एक टीम गेम है। तो गाइस जो टीम गेम है ना, उसको एक टीम की तरह लो, यानी कि
इंडिविजुअल माइंडसेट मैटर करता है, पर गाइज अगर एक टीम का माइंडसेट पूरा प्रॉपर एक तरफ जाएगा ना, यानी कि यूनिटी रहेगी एक माइंडसेट की तरफ, तो गाइज रिजल्ट बहुत तगड़ा होगा और उसका फायदा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो आपने कभी कभी ये देखा होगा काफी मैचेस में कि एक टीम बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, प्रेस करती है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा चढ़ के रहती है। टीम चढ़ने का मतलब है कि टीम खेलती है दूसरों के हाफ में, यानी कि गोलकीपर रहेगा एक अपने बॉक्स में, ठीक है, और जो डिफेंस लाइन होगी वो हाफ लाइन से थोड़ा सा पीछे होगी, बस हल्का सा, यानी कि मैक्सिमम टीम होगी वो दूसरे के हाफ में होगी। इसको बोलते हैं टीम को चढ़ना। तो गाइस वो तो किसी भी लेवल के आप टूर्नामेंट में देखना, चाहे आप अपने लोकल मैचेस में देख लेना, चाहे लालीगा में, चाहे वर्ल्ड का मैचेस में, कहीं भी देखना, ऐसा आपको दिखेगा कि कोई ना कोई कुछ टीम डोमिनेट करती होती है गेम को, तो उससे उनको फायदा भी होता है, क्योंकि एक तो जब क्योंकि फुटबॉल एक गेम है गोल्स का, तो जितने गोल स्कोर करोगे उतना आप जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। तो गाइस ये आप तभी कर सकते हो जब आपके प्लेयर्स के स्किल्स ऐसे हैं, यानी कि आप बॉल का पोजीशन लूज नहीं कर रहे। आप खुद सोचो अगर आप डोमिनेट कर रहे हो गेम को, ठीक है, और आपने एकदम पोजीशन लूज कर दिया और पीछे से गोल खा लिया काउंटर अटैक पे, तो गाइस लॉस तो आपका है, पर गाइस ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आपको ये करते हुए ध्यान रखना है कि आप पोजीशन लूज ना करें, आपकी पासिंग एकदम एक्यूरेट हो, आपके ड्रिब्लर्स जो है वो फालतू बॉल लूज ना करें, और आपका माइंडसेट होना चाहिए बिल्कुल अटैकिंग पे, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट, एकदम कॉन्फिडेंट रहना है आपको। आपके पास जब भी इंडिविजुअली बॉल आएगी आपको आईज ऑन द बॉल रखना है, हमेशा बॉल आने के बाद आपको ऊपर देखना है, यानी कि जब तक बॉल नहीं है तब तक बॉल रिसीव करिए आपने, तब तक आपको बॉल को देखना है, और बॉल आने के बाद आपको ऊपर देखना है कि आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या आप ड्रिबल करोगे, आपका अपोनेंट प्लेयर कितनी दूर है आपसे, आप किस क्या मूव आप लेने वाले हो, यानी कि किस तरफ आप पास करोगे। और गाइस फुटबॉल एक टीम गेम है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि आप अपने से ज्यादा बॉल अपने अपोनेंट्स को खिलाएं, जितना आप अपोनेंट्स को बॉल खिलाओगे उतना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आप अपने पास बॉल रखते हो, ठीक है रखते हो, पर जितना आप बॉल रखोगे ना, आप एक को ड्रिबल करोगे, दो को ड्रिबल करोगे, तीसरा आपसे टैकल कर ले ही लेगा, 10 बंदों को कटालोगे 11वां ले ही लेगा गाइस, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसमें बॉल लूज करने की रहती है, और काउंटर पे आप गोल खा ही लोगे अगर आप ऐसे चढ़ के खेल रहे हो और आपने बॉल लूज करी। तो गाइस ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। तो तीसरा था कि मसल क्रैम्प से रिलेटेड, कि मसल क्रैम्प को कैसे दूर करें। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको मसल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। तो मसल एक ऐसे टिश्यूज का ग्रुप है जो कि कोई भी आपकी जो मूवमेंट होती है ना, बॉडी मूवमेंट, वो जब आपका ब्रेन उसको ऑर्डर करता है, तो मसल्स ही उन जो भी उनकी इंडिकेशन होती है उसको कैच करके वो मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो गाइस सबसे पहली बात तो मसल क्रैम्प क्यों होता है, अगर आपके मसल्स अपनी कैपेसिटी से ऊपर कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करें, या फिर अगर आप यानी कि हाई एक्सटेंसिव यानी कि लिमिट से ऊपर कुछ एक्टिविटी करोगे, तो मसल क्रैम्प होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप कुछ इसका ज़्यादा मतलब भूकेश में जाओगे तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है आपके मसल्स में, क्योंकि जब आपके जो लिमिट से ज़्यादा ऑक्सीजन जब आप डिमांड करता है आपका मसल, तो वो बन नहीं पाता, मतलब वहां तक सप्लाई नहीं हो पाती, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो गाइज उसकी वजह से इंबैलेंस हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो गाइज, तो मैं अपने लेवल तक मैं आपको ये बता दूं कि आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वार्म अप आपकी इनिशियल जो स्ट्रेचिंग हो जाती है मसल्स की, वो मसल्स की जो इनिशियल मूवमेंट है उसको एक समझ रहे हो आप, कि एकदम से आपको ज्यादा मूवमेंट करनी है, ठीक है, तो आपको एकदम से ज्यादा मूवमेंट करने से अच्छा अगर आप छोटी मूवमेंट करोगे तो उसके लिए एक मसल रेडी हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट तो ये सही से वार्म अप करो, और दूसरा पॉइंट डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करो, यानी कि ठीक ठाक आपको पानी पीना है, हाफ टाइम ब्रेक्स लेके सही टाइम पे आपको वाटर अपने साथ रखनी है, पानी पीना है, और डिहाइड्रेशन आपको प्रिवेंट करनी है, इससे आपके मसल क्रैम्प्स होने के चांसेस कम रहेंगे। बाकी गाइस अगर आपको ज्यादा इससे भी ऊपर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ऐसे सिर्फ वीडियोस देख के अगर मैं आपको आपका एग्जैक्ट कंडीशन तो मैं नहीं बता सकता ना, तो गाइस तो अगर आपको इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर आप ये चीजें ट्राई कर रहे हो और फिर भी आपका सलूशन नहीं निकल रहा है, आपको रेगुलर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करो, क्योंकि ये मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ और हो सकती है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मुझे तो क्रैम्प का क्वेश्चन आया तो मैंने उसका बता दिया। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क फुटबॉल में क्या जरूरी है। तो गाइस काफी टफ था इसको आंसर करना, पर चलो कुछ सोल्यूशन निकाला। तो सीधी सीधी बात है कि हार्डवर्क का कोई भी सब्सिट्यूट नहीं है, पहली बात तो, ठीक है, अगर तो ये भी है कि आजकल तो सब हार्डवर्क कर रहे हैं, तो सबसे अलग दिखने के लिए इसीलिए आपका स्मार्टवर्क जरूरी है, सबसे अलग दिखने के लिए। पर गाइस एक बात समझ लो कि स्मार्टवर्क उस एक्सटेंड पे आप कर पाओगे जब आपने हार्डवर्क का एक बेस बना रखा हो, यानी कि हार्डवर्क एक बेस है, अगर आप उस लिमिट तक हार्डवर्क कर चुके हो तभी आपकी माइंड आपका तब चलने लगेगा जब आप फिजिकल में उस एस्पेक्ट में क्लियर हो। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको 400 मीटर रेस जीतनी है और आपको फर्स्ट हाफ में ऐसे भागना है, सेकेंड हाफ में ऐसे भागना है, तो अगर आपका जो बॉडी है वो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है ना गाइस, तभी आप आगे अपने दिमाग की यूज करके अपनी पेस को आगे या पीछे कर सकते हो। यानी कि समझ रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 300 मीटर भागने के बाद एकदम एक्सेलरेट कर दूंगा, अपने माइंड से सोच रहे हो,
पर आप 300 मीटर भागने के बाद आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी बची नहीं कि आप 100 मीटर एक्सेलरेट कर पाओ, तो आप वो कैसे, वो एक टाइप का स्मार्ट वर्क ही हो गया कि वो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी इज अ काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क। तो अगर आपने वो सोचा और आप वो कर ही नहीं पाए तो फिर वही है ना, आपका फिजिकली जो बेस था वो स्ट्रांग नहीं था। तो गाइस फुटबॉल में भी कुछ ऐसे तरीके यूज हो सकते हैं, यानी कि अगर आप सोचो कि आप 95th मिनट में आपको गोल करना है, ठीक है, और अगर आप सोचो कि आपको मिडफील्ड से ड्रिबल या फिर पास ना करते हुए आपको एक चिप देनी है अटैकर को, ठीक है, वो पहले मतलब वो ऑफसाइड नहीं है, वो निकल गया और आपको चिप देनी है उसको, तो आपके सबको लगेगा कि आपको शॉर्ट पास खिला के आप लेके जाओगे, पर आपका स्मार्ट वर्क क्या है, आपने स्मार्ट खेला, आपने ऊपर से चिप दे दी डायरेक्ट। अगर आपको फिजिकली आती है वो आप तभी कर पाओगे, यानी कि वो हार्ड वर्क से आप स्किल गेन करोगे और फिर जो वो स्मार्ट वर्क है वो जो चिप गिराना वो आपकी सारी दिमाग का खेल है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बेसिक्स जो है हार्ड वर्क के वो क्लियर कर लोगे तो तब आप स्मार्ट वर्क करो। वो तो मैं इस चैनल के थ्रू आउट आपको स्मार्ट वर्क की टिप्स दे ही रहा हूँ, तो वो आप तभी यूज कर पाओगे जब आप यू नो कुछ लेवल का आप हार्ड वर्क कर लोगे, अचीव कर लोगे, ताकि आप मेंटली उन चीजों को अप्लाई कर सको। तो गाइस अगला क्वेश्चन था कि वेट लॉस रिलेटेड फुटबॉल में मतलब वेट लॉस रिलेटेड क्वेश्चन था। सबसे पहली बात कि फुटबॉल में वेट कम होना क्यों जरूरी है, सबसे पहली बात तो मतलब फिट होना क्यों जरूरी है, कम नहीं फिट होना, फिजिकली फिट होना। तो आपने देखा होगा कि जब जो प्लेयर्स यानी कि जैसे हैज़ार्ड थे लॉकडाउन के बाद, है कैसे उनका पेट निकला हुआ था और ये वो प्रॉब्लम्स थी, तो यानी कि अगर आप पेट निकला हुआ है आपका, आप फिजिकली उतने एक्टिव नहीं हो, आप घर पे हो लॉकडाउन में इस टाइम, तो ऑब्वियसली बात है वेट बढ़ेगा। तो यार इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि फुटबॉल में वेट मतलब आपका फिट होना क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात तो फुटबॉल मांगता है बहुत ज़्यादा रनिंग, ठीक है, और बैलेंस का आपका बॉडी सही, बॉडी का बैलेंस होना सही बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा रनिंग मांगता है। तो सबसे पहली बात जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं और आपकी मतलब आप जल्दी थक जाते हो उसमें फुटबॉल की गेम में ज़्यादा भागने की वजह से। तो गाइस बॉडी बैलेंस भी आपको पता ही है ड्रिबल्स में, और अगर आपके सामने कोई अटैकर एकदम बॉडी पोजीशन शिफ्टिंग कर देता है तो आपको उसको हैंडल करना और बॉल को उससे जीतना कितना इंपॉर्टेंट है। और आप फुटबॉल में अगर वेट सही नहीं होगा तो आपका बॉडी बैलेंस और ये सब मतलब लॉन्ग रन के लिए आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो गाइस अगर एक्स्ट्रा आपको एक्सेप्शनल बनना है तो आपको वेट पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। तो गाइस इसके लिए मैंने सबसे पहली बात वेट लॉस का दो चीज़ों से आपको डिपेंड करता है, मतलब स्लीप भी जरूरी है, 7 to 7.5-8 hours स्लीप, और साथ में दूसरी बात ये कि जो आपका ये डाइट है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में एक गोल्डन रूल होता है डाइट का, जो आपका इनटेक है और आपका जो कैलोरी आप बर्न कर रहे हो उसका रेशियो, यानी कि ये है कि अगर आप इनटेक आपका बहुत ज़्यादा है पर आप बर्न कम कर रहे हो तो आपका वेट गेन होगा, और इसका उल्टा है वेट लॉस होगा, यानी कि आपको अपनी कैलोरीज कंट्रोल करनी है, या तो आप कैलोरीज कम लो, कम का ये मतलब नहीं कि आप अपनी मील मिस कर दो पर लिमिटेड रखो, यानी कि जो आपको रिक्वायर्ड है डे टू डे लाइफ में, और अपने अपना वर्कआउट कुछ ऐसा करो जो यानी कि आपकी उसको कंट्रोल कर रही है, यानी कि लिमिट कर रही है, जो सरप्लस नहीं जाने दे रही, वो आपको हेल्प करेगी आपका वेट लॉस करने में। ठीक है गाइस, बाकी तो कुछ एक्सरसाइजेस मैंने यहाँ पे अपने जो मैं भी फॉलो करता हूँ और जो फुटबॉल से रिलेटेड यूजफुल भी है, जैसे कि जो चीज़ें आपकी अपर बॉडी, आपकी कोर, आपके लेग्स पे वर्क करेंगी, वो एक्सरसाइज मैंने नोट कर ली है और मैं भी वो करता हूँ। तो गाइस एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से, स्किपिंग कर सकते हो आप पुशअप्स कर सकते हो, आप प्लैंक्स कर सकते हो, आप स्क्वाट्स कर सकते हो, आप फ्रॉग जंप्स वगैरह कर सकते हो, इससे कि आपका ठीक ठाक कार्डियो हो जाएगा, यानी कि आपका वेट लॉस भी हो जाएगा इससे और आपको स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी, और फुटबॉल में भी इससे आपको फायदा होगा क्योंकि कोर, लेग्स और अपर बॉडी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी पुलअप्स वगैरह भी आप ट्राई कर सकते हो, आप घर पर एक्सरसाइज करो, इस लॉकडाउन के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, आप घर पर एक्सरसाइज करके आप अपनी गेम को डेवलप करो। बाकी गाइस ये था इससे रिलेटेड इसके सॉल्यूशन। बाकी अगला क्वेश्चन था कि फॉरेन क्लब में आप कैसे खेल सकते हो। तो गाइस ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यंग जो प्लेयर्स हैं उनका दिमाग में एक ना एक जगह रहती होगी कि फुटबॉल क्लब जो बाहर के वहाँ पे कैसे खेल सकते हैं। इंडियन क्लब तो चलो ट्रायल दे ही रहे हैं पर बाहर के क्लब कैसे खेल सकते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात तो इंडिया में ना अगर जो टैलेंट की ग्रोथ को देखते हुए, पॉपुलेशन वगैरह को देखते हुए, जो देखते हुए कि इंडिया का कितना अच्छा, अगर उसको ट्रेन किया जाए तो कितना अच्छा प्रोडक्ट इंडिया दे सकता है, तो इसको देखते हुए ना फॉरेन क्लब्स ने भी इंडिया में अपने अकेडमीज वगैरह सेट की हैं। तो गाइस कुछ 3-4 अकेडमीज हैं, तो उसके बारे में फर्दर डिटेल्स आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको रिसर्च करके थोड़ा सा बता दूंगा। बाकी गाइस अगर आपको पता है तो आप उनको गूगल वगैरह पे सर्च करके उनके कॉन्टैक्ट नंबर या फिर उनके ऑफिस डायरेक्ट जाके भी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल देना। और उसके अलावा आप क्या होता है कि फॉरेन क्लब्स ग्रास रूट लेवल के लिए भी बच्चों को लेने आते हैं ट्रायल्स पे, यानी कि मैचेस या फिर स्काउट्स भेज के वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो उसके भी अपडेट्स अभी तो ये है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं चल रही तो कोई भी नहीं आ पाएगा, इधर उधर कंट्रीज में नहीं जा पा रहा, पर गाइस अगर सिचुएशन सही होती तो मैंने सुनने में आया था कि मलागा एफसी का भी ट्रायल होने वाला था यहाँ पे इंडिया में। तो गाइस ये है कि ट्रायल्स भी लेते हैं और अकेडमीज भी है। बाकी तीसरा
एक और अच्छा ऑप्शन है जो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, वो ये है कि अगर आप इंडियन मतलब इंडिया के डिवीजन में यानी कि प्रोफेशनल में आप ISL या फिर आई लीग में अगर आप अच्छा कर जाते हो, यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो धीरज थे इंडिया के अंडर 17 गोलकीपर, वो उस लेवल तक अपने आप को ला चुके थे क्योंकि उनकी तब तक उनके कनेक्शन था, उनके पास उस लेवल का स्किल था और उनके पास जो अपने वो होते हैं क्या बोलते हैं एजेंट्स से उनके पास बातचीत थी उस टाइम, तो उन्होंने अपना एक मदरवेल FC स्कॉटलैंड का क्लब वहां पे अपना ट्रायल ऑर्गेनाइज करवाया था। तो गाइस ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इससे आप कुछ इसका पता लगा पाओगे कि अगर आप उस लेवल तक पहुंचते तो आपके पास उतना पैसा भी होगा इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास उतने कनेक्शंस भी होंगे, आपके पास एजेंट्स भी होंगे, आपको देखने वाले हैं, मतलब उस लेवल पे हो आप। आई लीग और ISL काफी फॉरेन कंट्रीज भी कवर करती है कि यंग टैलेंट्स कोई है तो नहीं जो मतलब इस अपॉर्चुनिटी को अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करके उस क्लब से खेले। तो गाइस मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इतना रश ना करें, अभी उस लेवल तक अगर एक बार आप पहुंच गए तो आपके पास काफी अपॉर्चुनिटी आएंगी और इसको भी कन्वर्ट करें। बाकी एक गलती और है, मुझे काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि मैंने इस वाले जो मेरा एजेंट था, मैंने इस एजेंट से बात की, इटली का एजेंट था, इंग्लैंड का एजेंट था, ये वो ठीक है, कुछ हद तक कुछ जेन्युइन भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, मैं मानता हूँ क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हर जगह है। पर गाइस वो क्या करते हैं, वो आपसे पैसा डिमांड कर रहे हैं, समझ रहे हो आप इस लेवल पे इस टाइम की। अगर आपने एक बार, ये भी हो सकता है कि सच में वो अच्छा हो, आपको चांस मिल जाए, ये नहीं बोलता कि गलत है बिल्कुल, पर गाइस ये भी हो सकता है कि वो हो सकता है कि आपसे पैसे डिमांड कर रहे और आप पैसे दे दो, उसके बाद वो कुछ फ्रॉड कर दे या फिर आपका रिप्लाई ना करे, आपको ब्लॉक व्लॉक कर दे या फिर आपको कुछ भी ना हो, मतलब यानी कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो गाइस इस चीज़ों से आप बच के रहना, अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो आप ज़रूर उनसे कांटेक्ट करो और बाहर जाकर ट्रायल देके आओ। बिल्कुल गाइस मैं मना नहीं करता, अपॉर्चुनिटी है, आप डेवलप कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, करो। पर गाइस ऐसे बेवकूफ बनने की कोई वो नहीं है कि आपको लगे कि ये मुझे इस टीम में ऑफर दे रहा है, और आप थोड़ा सा उस पर रिसर्च करो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो, नंबर लो, बात करो, थोड़ा सा उनसे लाइसेंस का बात करो, देखो कि ये सही है, जेन्युइन है या नहीं है। जेन्युइन है तो पक्का ट्राई करो, और नहीं है तो आपको खुद ही समझ आ जाना चाहिए कि हार्ड अर्न मनी को आप ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। आप जिद में अड़े रहो और बाद में लगा कि आपके पेरेंट्स भी एक टाइप से आपको सपोर्ट कर देंगे, पर आप जिद में अड़े रहो और आपको लगा कि ये सही था, बारे इन्होंने आपसे फ्रॉड कर दिया। तो गाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चीज़ में थोड़ा रिसर्च करो और सावधान रह के इसमें ट्राई करो। तो गाइज़ सबसे, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर भी लगते हैं कि आपको इस वीक के कोई क्वेश्चन आपने मुझसे पूछने हैं, क्वेरीज हैं, इसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करें और जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। बाकी गाइस एंजॉय योर संडे, पीस आउट।